एक मिनट, रुक जा, चला पंखा बंद करा, चला। स्क्रीन 7 बजे है ना जगह? रेडी। दोस्तों आपको हमारे बगल में क्या दिखाई दे रहा है? दोस्तों पहले मुझे नहीं, पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो हमारे बगल में जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यार एक फ़ोटो है, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड हमेशा चेंज हो रहा है। अगर जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर से आपको एक बार दिखा देते हैं। मान लीजिए ये फ़ोटो है, किसका फ़ोटो है यार? मेरा फ़ोटो है। कैसा फ़ोटो? एकदम नॉर्मल फ़ोटो है। कहाँ खिंचाए हैं? एक कमरे में ही मैंने इसको शूट किया था, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रहा है, इसका कलर्स भी चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ पर पूरा लाइव देख सकते हैं। दोस्तों ये कैसे संभव है? बहुत आज के ज़माने में कौन अपनी फ़ोटो नहीं खींचना चाहता है? सब लोग अपनी फ़ोटो क्लिक करवाना चाहते हैं और बेहतरीन बेहतरीन से पोस्टर बनाना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लाइक, हर जगह जहाँ भी सोशल मीडिया आप पसंद करते हैं वहाँ अपनी फ़ोटो को शेयर करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बस फ़ोटो करके डायरेक्ट शेयर करते हैं और आपको भी मज़ा नहीं आता है। दोस्तों इसमें हम इस वीडियो में मतलब हम यह बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक कमरे में फ़ोटो क्लिक किया, लेकिन मान लीजिए उसके बगल में कोई आप ऐसा लगा दिया कि ताजमहल आ गया, तो किसी को लगेगा यार आप ताजमहल घूमने गए हैं। या फिर आपने कहीं भी खेत में, खलिहान में, या फिर शहर में, गांव में, कहीं भी आपने बुरी से बुरी जगह फ़ोटो क्लिक कर ली, लेकिन उसको अच्छी से अच्छी बना सकते हैं। कैसे? फ़ोटो के जो पीछे का बैकग्राउंड है ना, उसे बड़ी आसानी से रिमूव कर सकते हैं। कैसे? वन क्लिक में कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे? बस वही हम इस वीडियो में बताने आए हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप अपनी मोबाइल को ओपन करेंगे, तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। कौन सा ऐप डाउनलोड करना है दोस्तों? जिसका नाम है बैकग्राउंड रिमूवर। यार वैसे तो बहुत सारे पिंटरेस्ट है, बहुत सारे ऐप्स है जिससे ये होता है, लेकिन ये वन क्लिक में होता है, थोड़ा सा आसान है। तो इसको हम यूज करके हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। जैसे दोस्तों ये कहाँ मिलेगा यार? ये प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से अवेलेबल है और क्रोम में भी जाके ये मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से उस ऐप को ओपन कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सामने यही इस ऐप का जो पहला फॉर्मेट है आपको दिखा देगा। दोस्तों उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए आपने ऐप को ओपन कर लिया, तो अब क्या करेंगे, अब गैलरी में जाएंगे। गैलरी में कहाँ, मतलब गैलरी में तो सारी फ़ोटोज़ होती हैं। आपने कोई फ़ोटो शूट किया तो आपके फ़ोन की गैलरी में होगी, तो गैलरी में जाएंगे, आप अपनी प्यारी से एक फ़ोटो चूज़ कर लेंगे। मान लीजिए कोई मेरी ये एक फ़ोटो है, इसको मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। तो यही फ़ोटो है जो हमने आपको दिखाई थी। एड अवेलेबल, कटिया मत करिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो क्या करेंगे, आपको अपनी गैलरी में जाना है। तो गैलरी में जाने के बाद दोस्तों आपको अपनी एक प्यारी सी फ़ोटो सेलेक्ट करना है, चाहे जैसी भी फ़ोटो। यार मैं कोई भी फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ जो भद्दी से भद्दी हो। मान लीजिए ये वाली फ़ोटो मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरी फ़ोटो आ गई है। तो मेरे फ़ोटो के पीछे क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? जी नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे दोस्तों आपने अपने यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे बाई साइड कॉर्नर में एक एरो का ऑप्शन होगा, तो इस पर क्या करिएगा आप दोस्तों, इस पर टच करिएगा। टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका जो बैकग्राउंड है पूरी तरह यहाँ पे रिमूव हो चुका है। और दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ है जो आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन हम उतना नहीं बताएंगे, हम बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया जाता है। तो अपनी फ़ोटो देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड, फिर एरो के ऑप्शन पर आप जाएंगे, उसको टच करेंगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से फेस दिखाई देगा। तो क्या बैकग्राउंड पूरा पीछे का हट गया है? जी हाँ हट गया। हटने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिर एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे।
क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है तो दोस्तों आप इसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं, लाइक व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इवन यूट्यूब में भी आप इसको कम्युनिटी में डाल सकते हैं, और कहीं भी आप अपने फ्रेंड्स को, गर्लफ्रेंड्स को, बॉयफ्रेंड्स को, फैमिली को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, उसके पीछे कोई सीनरी बना के अच्छे से यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद दोस्तों मान लीजिए मैंने सेव किया, अब चलिए थोड़ा सा आपको बना के भी दिखाते हैं कि कैसे, मतलब इसके पीछे का जो बैकग्राउंड तो चेंज हो चुका है, इसका मतलब पीछे का जो सीन है कैसे बदला जाता है। तो चलिए थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए, तो चलिए दिखाते हैं। चलिए जल्दी तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा आए हैं अपने काइन मास्टर में। अगर जो आपके मोबाइल में काइन मास्टर नहीं है तो आप भी इसे जाके ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप काइन मास्टर में आएंगे तो आपको यहाँ पे अपने यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे फोटो, कोई वही फोटो जिसका मतलब बैकग्राउंड रिमूव किया है आपने, उसको क्या करना है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे दो दो फोटो सेलेक्ट किए हैं। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, बड़ी आसानी से यहाँ पे देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर मतलब थोड़ा सा कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों है ना मज़ेदार वीडियो। अब इसके बाद यहाँ पे भी दोस्तों मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, और दोस्तों अगर जो नहीं समझ में अच्छा लग रहा है तो आप इसको पीछे से यहाँ पे डिलीट करके एक ही फ़ोटो लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको, इस सीनरी को यहाँ पे सेट किया, तो दोस्तों देख सकते हैं आप यार कितना बेहतरीन लग रहा है। आपका भी मतलब ऐसे ही होगा जैसे मैं बता रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कि फेक बता रहा हूँ, एकदम रियल बता रहा हूँ। तो आप भी अपने सीनरीज को ऐसे ही एकदम चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए दूसरा बैकग्राउंड आ गया, कोई भी बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बोलो बन, ये तो मतलब पसीना से हालत खराब हो गई है, बोलब का बन पंखा चालू करा भीग गई। Yeah.